जरा बराबर भी एहसास होता ना कि मन्नत रिश्ते से इनकार क्यों कर रही है तुम। इनकार में कभी भी उसका साथ नहीं देते। क्या मतलब? क्या आपको लगता है मन्नत किसी को पसंद करती है? शायद। लेकिन भैया आप माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आप भाइयों के लाड प्यारे ना मन्नत को बहुत ही जिद्दी बना दी। ना आप लोगों की कोई रोक टोक है, ना कोई सख्ती है। जाहिर है फिर वो सवाल जवाब से चिढ़ती है। देखिए भैया, मैं जानती हूँ कि आंटी अंकल के बाद आपने मन्नत को बाप बनकर पाला, बहुत प्यार किया, लेकिन बेटी का माँ के साथ एक अलग ही रिश्ता होता है, एक अलग दोस्ती होती है। तो जाहिर है आपके साथ तो नहीं हो सकती। इसीलिए तो मेरा ये ख्याल है कि अगर मन्नत की उस घर में शादी होती है तो उसकी ज़िंदगी में जो माँ और बहन के रिश्तों की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। आपको पता तो है वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलती। तो हमसे बोलती है ये झूठ। झूठ बोल सकती है ये। बकवास करती है डॉक्टर, दिमाग खराब हो गया उसका। मैंने तुम्हें मना भी किया था, उस जाहिल डॉक्टर के पास मत जाने, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शौक है ना, तुम्हें तो शौक है पैसे जाया करने का। वो क्या मिला अल्ट्रासाउंड करा के? वो पैसे अलग जाया हुए और रिपोर्ट आई तो वो भी मनहूस। तुझे क्यों जलील कर रहा है? रिपोर्ट आपकी मर्जी की नहीं है तो डॉक्टर जाहिल है। ठीक है, तूने डॉक्टर जाहिल नहीं है, तू मनुष है तू। और जब से तुझसे शादी हुई है, वो मनुष्य मुसलसल मेरा मुकद्दर बन गई है। वो एक डेला कभी नहीं ठहरा मेरे हाथ में। ये तू और पिंकी के कम बोझ थे कि अब ये नई खबर सुनने को मिल रही है कि तू कभी मां नहीं बन सकती।
खुदा का खौफ कर छोड़िए। जेब में तेला नहीं और औलाद पे औलाद चाहिए। फर्ज कर मुराद ने मदद करनी बंद कर दी तो कौन पालेगा? नहीं तो इस बात के खौफ से बेटे की खाई छोड़ दूं। एक नुदरत मुझे कुछ नहीं पता, तू जा जाके बात कर उस डॉक्टर से। मुझे मुझे मेरा वारिस चाहिए तो चाहिए। अब नहीं हो सकता, अगर ये डॉक्टर ने कोई मीत नहीं। ठीक कहती थी अम्मा कि इस खानदान में शादी मत कराओ। बेटियां ही पैदा होनी है इस खानदान में। तेरे जैसे निकम्मे मर्द से ना तो बेटियां अच्छी हैं। अच्छा अच्छा बस बहुत हो गया ताने। ये बता पैसों के लिए कुछ किया या? उसके लिए भी को मैंने उस खबर सुनानी है। इतरत से बात की है, अम्मी ने भी आमी भरी है। देख चौधरी, तूने वादा किया है मेरी इज्जत रखेगा अम्मी के सामने, दो के चार करके देख लेना। तू दो तो करा के दे, चार मैं खुद ही कर लूंगा। दाल का देखता चढ़ा दिया। एक ही मेन्यू है इस घर में, एक शख्स की पसंद का खाना बनता और तो कोई बसता ही नहीं है ना। आज सुबह से ही आप ही का मूड खराब है, दवाई भी तो नहीं खाती टाइम पर, बात बात पर काटने को दौड़ रही। अम्मी आपने आज फिर मेरी फरमाइश पूरी नहीं की ना। कितने दिन से कह रही हूँ कि पालक गोश्त बना दे, रोज मुराद की पसंद का खाना बना देती है आप। अगर मेरी पसंद का ख्याल नहीं है ना तो इजाजत दे दे, मैं खुद पका लूंगी। पहले ही बहुत बोझ है मेरे बेटे पर, रोज की दो दो तीन तीन हांडियां नहीं पक सकती हैं, जो है बस खा लो, नहीं दे अंडे बना ले। हमेशा से ना इस घर में बेटियों के साथ ज्यादती होती आ रही है, हमारी तो छोटी से छोटी बात भी पूरी नहीं होती है और मुराद के मुंह से तो फरमाइश निकलने की देर होती है। हम बोझ है ना, सारी जिंदगी उसका बचा कुचा खाना खाते आ रहे हैं। ज्यादती ना मुराद बेचारा नहीं करता हमारे साथ, आप करती है। हाँ तो कमा कर भी तो वही लाता है, तो उसी को खिलाना पिलाना है ना। मैंने घर का वाहिद कफील है और हो बोझ, उस पर भी बोझ हो और मेरे पर भी बोझ हो, और जड़ी ब्याह के चली गई ओदा कार भी बेचारा मेरा मासूम पुत्र ही पारदा रहिंदा है के। मैं नहीं तुम लोगों के नाज नखरे उठा सकती, अच्छा समझ में आई है कि नहीं। बजाय के अल्लाह मियां दा शुक्र अदा करन के एडा जिम्मेदार भरा मिल गया, तुसी रोने पाए देने। हम शुक्र करें दो वक्त की रोटी मिल जाती है ना हमें और हमारे सर पे जाते हैं। आपको लगता है बस यही हक है हमारा, बेटियां ना कमा के भी हक दे रहे आपको हाथ में। कमाने की बातें मुझसे मत करो, गई थी ना इतरत पढ़ लेके दो महीने नौकरी की ते इश्क मशूकियां दे चक्कर च पै गई हैं, तुसी मैनू घर ही बैठियां चंगियां जे। अम्मी उसरत आपी का फोन आया है, रो रही है बहुत। हाय अल्लाह खैर। क्या साफ जवाब ही दे दिया डॉक्टर ने कि औलाद नहीं हो सकती, तो फिर इतना कीमती इलाज क्यों करवाया था डॉक्टर ने? हैं डॉक्टर ने नहीं करवाया, आपने करवाया मुराद के पैसों से हमारा पेट काट काट के। बस पुत्र बस हुन रो ना, दिल बड़ा करीदा है। बहुत से डॉक्टर हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े, तुम्हारे भाई से मैं बात करती हूँ आता है तो। चुप कर जा मां सदके चुप कर जा। इतरात क्या हुआ बाबा, रो क्यों रही हो? उनके पास बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी तो है और औलाद तो अल्लाह की तरफ से नेमत होती है, कहीं नाशुक्री ना हो जाए, समझाओ उन्हें। एक दिन सुख का नहीं देखा है आप ही ने,
पहले नानी के घर ख्वार हुई है, फिर ये शौकत भाई पल्ले पड़ गए। कभी कभी लगता है कि सारे गम ना आप ही के नसीब में लिखते हैं। इधर तो यार मैं सोच रहा हूं कि हम शौकत का कोई कारोबार शुरू करवा देते ना। मुराद कब से अकेला लगा हुआ है, थोड़ा फर्ज तो हमारा भी बनता है। Honestly, फैसल, मुझे शौकत भाई से कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं। उम्मीद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन नुसरत आप ही और उनकी बेटी की खातिर हमें थोड़ी सी तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी एडवांस सैलरी के लिए एक एप्लीकेशन डाल देता हूँ, फिर थोड़ी थोड़ी करके हम पेमेंट कटवाते रहेंगे। तो मान जाएंगी? अभी तक तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत मेहरबान खातून है, मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती। लेकिन थोड़ी सी तबीयतन सख्त है, हाँ लेकिन सख्त तो होना पड़ता है, खासतौर पे अपने हस्बैंड की डेथ के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी कंपनी को कामयाब किया है भाई, हैट्स ऑफ टू हर। हाँ नहीं, बस हम निकल रहे हैं। अरे नहीं होगी ना लड़ाई, पता है मुझे। मन्नत, मन्नत जी, जल्दी करो, देर हो रही है। जी चलें। चलो, मुझे कह रही है देर हो रही है, ये देखें। क्या है? देखें। ओ मन्नत, मदद करने तुमने उसको समझा दिया था ना? जी भाभी, हो क्या? जा रहे हो तुम लोग? जी भैया, बस निकल रहे थे। सभी ये मंतु का ख्याल रखना और साथ साथ रहना इसके। जी जी। मंतु गाड़ी तेज मत चलाना। जी भैया। और वक्त पे घर आ जाना तुम लोग। भैया जरा आहत के पर नजर रखिएगा, यू नो ही हैज अ टैलेंट फॉर ट्रबल। साथ साथ रहना उसके। जी मैं जा। आहत, अरे बाबू क्रिकेट खेलेंगे? आओ चले, चलो आ जाओ। अच्छा अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, चले ना, देर हो रही है। हाँ अम्मी तैयार हो गई हैं। कब की? अब चले। चलो। आप नहीं चल रहे? नहीं मुझे नहीं जाना, घर में ही सड़ने दो इसे, घर में बैठे बैठे ही इसको जंग लग जाना है, जुड़ जाना है इसने, फिर किसी ने पूछन भी नहीं होना। अच्छा अम्मी चले ना, देर हो रही है, क्यों उलझती हैं आप इसे? आप देर किस लिए हो रही है? हमारा कौन कोई वहाँ इंतजार कर रहा है, बाजार ही जाना है हमने बस। बाजार नहीं अम्मी, शॉपिंग मॉल। मेरी गलतियाँ नहीं निकालनी है तुमने, बड़ी आई गलतियाँ निकालने वाली, मैं नहीं पसंद करती ये। छोड़ दे इस बहस को, अब चले, पहले ही देर हो गई है। क्यों पुत्र, तेरी जंज लेट हो रही है। हाँ जी अम्मी। चल फिर बात सुनो, मेरा वॉलेट तो लेकर आओ, मैं अंदर भूल आई, जल्दी करो जल्दी। मन्नत जी, लग रहे ये बना, तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी भाभी, लेट है वो, एक टाइम दिया हुआ था। वो रिलैक्स करो, आ जाएगा, ट्रैफिक में फंस गया होगा। पता नहीं अभी देखें आधा घंटा हो गया है वो वेटिंग होता। बंदे ना पुत्र भाण कटी हौली चला, गाली खा दी हुए हैं, हमारी कौन सी टी छूटी जा रही है। जी अच्छा भाई, खाना हम बाहर से ही खाएंगे, ठीक है? और आइसक्रीम। जी ठीक। पता नहीं कितना शोधी जाम पाई है, हर वक्त खाने की तरफ ही ध्यान रहता है तुम्हारा।
हाँ भाई, कोई अपडेट? पता नहीं, वो सेकंड आ गए हैं। बोलो, आ गए? हाँ हाँ, फोरे चले। हाँ चल चल। मन्नत, ये कैसा है? अच्छा है, कट बहुत अच्छा है, कलर भी अच्छा है। मेरे ख्याल में ट्राई कर लेती हूँ। हाँ, आप पहले ट्राई कर लो, फिर देखो इफ यू वांट टू बाय दिस। ओके। ये कैसा है निगी? अच्छा, सेल पर से उठाना। अच्छा भाई, ज्यादा बोझ नहीं डालना है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ट्राई बताएं ये कैसा ले लूं? अरे आप तो वो ही है ना जो हमारे घर आई थी अपने बेटे के रिश्ते के लिए। मन्नत मन्नत, देखो वो आंटी जो हमारे घर आई थी। जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपके? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मन्नी हो गई आप? नहीं। मुराद भाई की भी नहीं हुई। चलो चले यहाँ से। अम्मी, खरीदना नहीं है? नहीं खरीदना है, लटकाओ वापस। चलो चाल दी मुराद। बहुत ही कोई डिफिकल्ट आंटी है भाई, ये तो मुश्किल ही लग रहा है ये काम। इट्स ओके, मतलब इतना भी कोई बुरा बिहेव तो नहीं। अच्छा भाभी, एक और ट्राई ना प्लीज। चलो पीछे जाते हैं। ओके, रख देना, कहीं भी रख दे। जल्दी आप पहले। हम बाद में आएंगे। इतनी महंगाई है, पता नहीं क्यों तुम लोगों ने इतनी शॉपिंग की रट लगाई हुई थी। अलमारियां भरी हुई हैं कपड़ों से। निकी ये लो, अम्मी ये देखें। बहुत अच्छा किया आपने जो लोगों को लिफ्ट नहीं करा। उस घर में होने वाली बदतमीजी मैं आज तक नहीं भूल। रजिया सुल्ताना भी कभी अपनी बेइज्जती नहीं भूलती है। अम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। जो मर्जी मंगवा लो ना। आप लोग क्या खाएंगे? अम्मी वो दोनों यहाँ भी आ गई हैं। ठीक है, आ गई है तो आ गई है। चलो अपने काम से काम रखो, खाना मंगवाओ तुम लोग। मम्मी मेरी भूख मर गई है और वो दोनों मेरे सामने आके बैठ गई। अम्मी मुझे इनकी शक्लों से सख्त नफरत है। उठे चले, कहीं और से जाके खाते। उठे बैठ जाओ आराम से। क्यों चले भाई, बैठो ना, देखो उसकी तरफ, उधर कान लो। और मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे तो यहीं का बर्गर पसंद है। और अम्मी ठीक ही तो कह रही है, क्या जरूरत है हमें यहाँ से उठते जाने की? बैठी रहने दे, ये फूड कोर्ट उनके पापा का थोड़ी है। क्यों अम्मी, सही कह रही हूँ? अच्छा, जैसी आप लोगों की मर्जी। अच्छा ऑर्डर करे ना,
क्या खाना है? गाल सुन, ए पिज़्ज़ा मंगा ले, नाल वड्डी बोतल भी आ रही है, आवल। जी ठीक है। और तुमने? मेरे लिए बर्गर। यार इनको तो खाने के नाता किसी और चीज की होश ही नहीं। मुराद पे चेक करूं कैसे गोद बन के बैठा हुआ, खाती बस देने बस। So you want to marry him? ये चड़ेल चिलेत्तर अजरा जान ही नहीं छोड़ती इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी। चले भाभी। हे क्यों, क्या हुआ रिप्लाई कर? बड़े भैया इंतजार कर रहे होंगे घर पे, वैसे ही बहुत देर हो गई है, लेट्स गो। ओके चलो। अमीन मैं जा रही हूँ। जाती है तो जाए, हमारा क्या वास्ता उससे? क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ ना मैं? तेरा वास्ता है पूछगा जो लगा हुआ है मुस्तकिल। क्या मतलब अम्मी? ऐडा पोला अम्मा, तेरा मक्कू तो मैं ठापनी है एको बारी। केड़ी चंडाल नाल लगा हुआ है इतनी देर तक फोन ते है? तू की समझना, मेनू समझ नहीं आंदी। मन्नत बड़ाया है तुम और वो बेहिया जो है उसको हया नहीं आती है, है? लगी हुई है तुम्हारे साथ, इतनी बेइज्जती उसने मुझसे करवाई है, क्या करूं? दफ्तर जाके उसकी गुत पोट के उसको चौक पे लेकर आऊं, उसकी बेइज्जती करूं? की करना है मैंने दास ने, की करना है मैं? अपनी मन्नत जा रही है, खैर से जा रही है। मुझसे कुछ कह रही है? शॉपिंग वॉपिंग करनी है, खाना शाना खाया है आपने? जी। कभी चक्कर लगाए ना आप हमारे घर? हाँ टाइम लगे तो हमारे घर आना है, तुम भी आना बेटे मन्नत, अपनी भाभी के साथ चक्कर लगाना हमारे घर। मेरी निगी तो हर वक्त यही कहती रहती है, मन्नत यूं है, मन्नत वो है, मन्नत ऐसी है, मन्नत वैसी है। कैसी है? बहुत प्यारी है माशाल्लाह, उस दिन कमरे से बाहर आई थी तो मैंने साथ ही पसंद कर लिया था इसे। जी जी जरूर, हम जरूर आएंगे इंशाल्लाह, आप तशरीफ रखिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटे। यार ये मुराद की अम्मा क्या चीज है, मतलब
इतना बड़ा रोलर कोस्टर, पहले इतनी सड़ी हुई थी कि सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं किया, फिर एकदम से इतनी स्वीट हो गई कि अपने घर ही इनवाइट कर लिया। तब हो क्या रहा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अरे भाभी क्या जरूरत है चीजों को समझने की, जब हम जो चाहते थे वो हो गया, लाइक लिटरली वी हैड सच अ गुड कन्वर्सेशन, उन्होंने हमें अपने घर इनवाइट कर लिया है। हाँ बेटे, अभी उस प्रॉब्लम का ना पहला मरहला सॉल्व हुआ है, दूसरा पार्ट अभी बाकी है। दूसरा कौन सा पार्ट? बड़े भैया। तुमसे कभी ना मार देना बड़े भैया। अम्मी क्या जरूरत थी उन लोगों को घर इनवाइट करने, जब कोई वास्ता ही नहीं रखना तो फिर मेल जोल कैसा? मुझे लगा कि मेल जोल रखना चाहिए है तो मैंने दावत दे दी उनको। तुम्हारा क्या मसला है? अम्मी वैसे आपने बहुत अच्छा किया उन्हें दावत देकर, और वैसे भी उस लड़की की अभी तक कहीं बात पक्की नहीं हुई। देखा देखा, आगे ना अपने टॉपिक पर, मुझे पहले ही शक था। अम्मी एक बात मेरी याद रखिएगा, मुझे वो लड़की बिल्कुल नहीं पसंद और ना ही मैंने उसे शादी करनी है। बड़ी अच्छी तरह मैं जानती हूँ कि तेरी पसंद कौन सी है, मगर ये बात याद रखना कि तेरी पसंद कभी मेरी पसंद नहीं बन सकती। ते पुल्ली ना, तू चौधरी मुराद, तुमने मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि जब भी शादी करोगे मेरी पसंद से करोगे, वरना मेरी मोई का मुंह देखेगा ही। पिटी जा, कुटी जा गड्डी नू, शादी तो तुम्हारी वही होनी है जहां मैंने चाहना है। इसे कहते हैं निशाना बिल्कुल ठीक जगह पर लगना। मेरी प्यारी अम्मी जान, मैं भी आखिर आप ही का बेटा हूं, अपनी करने पे आता हूं तो अपनी करके छोड़ता हूं। वो गेस करो कल हमें शॉपिंग मॉल पे कौन मिला? कौन? मुराद की वालदा। मुराद? कौन मुराद? वो हमारे घर आए नहीं थे मन्नत के रिश्ते के लिए, वो शमीम आरा के रेफरेंस से। ओ, वो बहुत सारी बहनों का इकलौता भाई, चौधरियों का बेटा, जिसके बारे में उस दिन बात हो रही थी। हाँ वही, कल मॉल में उसकी अम्मा से मुलाकात हुई, झट से पहचान गई। फिर क्या किया उन्होंने? सब लोगों के सामने लड़ने झगड़ने लगे होंगे, तमाशा लगाने में तो बहुत माहिर हैं वो लोग। अरे नहीं भैया, मैं तो खुद हैरान हो गई, इतनी अच्छी तरह हमसे मिली है, वो सबका हाल पूछ रही थी। और क्या? कुछ नहीं, खाने पे बुलाया है। दावत दे डाली? क्यों, क्या इरादे हैं भाई उनके? मुझे क्या पता, जाएंगे तो पता चलेगा ना, उस दिन तो अफरा तफरी में कोई काम की बात हो ही नहीं सकी। वहां जाकर टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, आप मुझसे पूछ लें, मैं बता देती हूँ उनके इरादे। मन्नत बुरी बात है, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। मैं तो जरूर बोलूंगी भाभी, क्योंकि ये मेरी लाइफ है और मेरे फ्यूचर का मामला है। मैं उस लड़के को जवाब दे चुकी हूं, इनकार कर चुकी हूं, जब मुझे उससे शादी ही नहीं करनी तो फिर ये घरों में ताक झांक करने की क्या जरूरत है? तो हम कौन से तुम्हारी अभी शादी कर रहे हैं, लेकिन किसी के घर जाके उससे मिलने में आखिर क्या हर्ज है? मतलब लड़का अच्छा भला है, मैंने देखा तो है उसे, डिसेंट सा है। डिसेंट हो ना हो, मुझे वो पसंद ही नहीं। क्यों नहीं पसंद? नहीं, कोई वजह तो हो ना पसंद करने की, इस तरह तो जो रिश्ता आता है उसमें कीड़े निकालना शुरू कर देती है। सभी ठीक ही तो कह रही है मन्नत, हमने माना कि तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें पूरा हक है कि जो चाहो करो, लेकिन नापसंद करने की कोई वजह भी तो होगी।
अब देखो ना, सारे मामलात हम तुम्हारी मर्जी से तो तय नहीं कर सकते। सुनो, तुम्हारे पास कोई वजह है तो बता दो। बस मैंने कह दिया ना, मेरी शादी मेरा फैसला है, मुझे वहां शादी करनी ही नहीं। क्यों नहीं करनी भाई तुम्हें वहां शादी? क्या मसला है तुम्हें उस लड़के से? हाँ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो वो अलग बात है, पर अगर ऐसा है तो हमें मिलवाओ, तो क्या हम भी मिले उस नमूने से। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जिंदगी हमें ऐसे ही बर्बाद होने दें? भैया क्या हो गया आपको? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। मैं जा रही हूं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। देर होती है तो हो जाए। और बाहर में गया तुम्हारा दफ्तर जो हमें तुमसे खुल के बात नहीं करने दे रहा। मेरी मीटिंग है, मैं जा रही हूं। भाभी देख रही हो, देख लिया तुमने सबिया किस तरह दामन बचा के निकल गई है। अच्छी तरह जानते हैं हम क्या रिश्ते की मुखालफत क्यों कर रही है ये। बहुत ही कोई नामाकूल और घटिया शख्स बहका रहा है इसे। क्या बात कर रहे हैं भैया, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं सबिया। जी भैया। फैसला कर लिया हमने और अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। मन्नत की शादी होगी और जल्द अज जल्द होगी, और देखते हैं कौन करता है हमारे फैसले पे एतराज। जो भी रिश्ता आएगा हम खुद करेंगे बात। उल्टे कदमों इस घर से अब कोई वापस नहीं जाएगा, बस कह दिया। लेकिन भैया जैसे आपकी मर्जी। मैं किसी लड़के को पसंद करूं ये बड़े भैया की ईगो को कबूल नहीं, इसीलिए उनके सामने तुम्हें नापसंद करना पड़ा चौधरी मुराद हशमत अली। आई एम सॉरी। पूछो ना मेरे दिल से क्या हाल है, नजर मिली जब उनसे उसकी एक झलक मेरी जान ले गई, भीनी भीनी महक दास्तां कह गई, दास्तां कह गई। दिल हारा दिल हारा तुझ पे दिल हारा, देखो भाई ये तो प्रूव हो गया आप मेरी अम्मी इतनी बुरी नहीं है जितना तुम लोग समझते। हाँ थोड़ी सी जिद्दी है, मिजाज की थोड़ी सी टेढ़ी है और जबान की थोड़ी सी कड़वी जरूर है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी। अज़रा से ज्यादा तुम्हारी अम्मी की खूबियों से कौन वाकिफ हो सकता है? क्यों अज़रा, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर आंटी के टॉपिक पे डिस्कशन होगी तो मैं इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनूं। हम यहाँ मन्नत और मुराद से मिलने आए, आंटी को डिस्कस करने नहीं। बट आई स्टिल रिस्पेक्ट हर। थैंक्स। सॉरी यार, हम आइंदा आंटी की खूबियों के बारे में बात नहीं करेंगे। लो आ गई जिनका तुम्हें इंतजार था।
पूछो ना मेरे दिल से, क्या हाल है। नजर मिली जब उनसे, बेहाल है उसकी एक झलक, मेरी जान दास्ता कह गई, दास्ता।